नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले कि आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक देंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर। आरबीआई के हरेक जयंती समारोह में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इन अधिकारियों को मिलेगा पदक। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हरेक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जाँच अधिकारियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। आज की ताज़ा खबर, लाइव 6-1 तीव्रता के भूकंप में हिला चीन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 2 साल का सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत के सेशन कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और सीजीएम कोर्ट ने अपील के लिए 30 दिन तक वक्त दिया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। यूपीआई पेमेंट भुगतान पर 3% का एक समान शुल्क लगा सकती है सरकार। जुटाए जा सकते हैं 50 करोड़ रुपए। सरकार यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की फंडिंग और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लेन देन सुविधा पर 0.3% का एक समान शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश के असर या IMD का पूर्वानुमान। राजधानी के बीते दिनों में तेज बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार पूरे देश में आने वाले कुछ दिनों तक तेज बारिश आंधी के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी सूरत की अदालत में आज अपनी सजा को चुनौती देंगे। राहुल गांधी कई दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत की ही सत्र अदालत में चुनौती देते हुए सोमवार को अपील दायर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। भारत की तरह रूस से तेल खरीदने का पाकिस्तान जाने क्यों अमेरिकी दबाव को किया दरकिनार। रूस की तेल खरीदने को लेकर अब पाकिस्तान भी आगे आ गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए वह भारत की तरह अब खुले तौर पर रूस से तेल खरीदने की तैयार है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बड़े विपक्षी नेताओं को आज जमावड़ा महाहानि मामले के दोष सिद्धि के खिलाफ राहुल करेंगे कोर्ट में अपील। मुंह नेत्र कस्मक द्रमुक के प्रमुख एवं ये स्टालिन के नेतृत्व में विपक्ष शीर्ष नेता सोमवार को दिल्ली में सामाजिक न्याय विषय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। एफडी रिटर्न में एक्टिविटी व डेट में आगे निकाला एफडी, छोटी बचत योजनाओं पर भी बढ़ाया ब्याज। पिछले 1 साल में एक्टिविटी और रेट निवेशकों को फायदा देने के मामले में कमजोर साबित हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेक्शन जहां करीब करीब उसी स्तर पर रहा, दूसरी ओर डेट ने ही कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। एफडी रिटर्न में इशारों के चीनू हेलीकॉप्टर का मदद के रिजुजेबल लॉन्च व्हील कल का किया सफल परीक्षण। पीएम नरेंद्र मोदी दी बधाई। बेंगलुरु PTI अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रविवार को इसरो ने सफलतापूर्वक रिजुजेबल लॉन्च व्हील कल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLV-LXV-X पूरा किया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बाबा साहेब नहीं मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव की बीजेपी को चुनौती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभाजी नगर में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने और रामनवमी के दिन हुई हिंसा के तीसरे दिन रविवार को महाविकास अघाड़ी के यहाँ एक रैली का आयोजन किया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बिहार में भाजपा के सत्ता में आते ही दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा साफ। केंद्रीय गृह अमित शाह ने रविवार को बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार आज रात
कलकत्ता में और दमन का माहौल व्याप्त होने का आरोप लगाने के साथ ही चेतावनी भरे स्वर में कहा कि 2025 में भाजपा की सत्ता में आते ही सभी दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, सीबीआई पीएम मोदी आज सीबीआई के हरिक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, अधिकारियों को देंगे पदक। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हरिक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यकाल पीएमओ ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, 2 अप्रैल 2023 की बड़ी खबर, धमाके बाद असम सीएम शर्मा को बड़ी सुरक्षा, महाराष्ट्र दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में हो रही हिंसा के लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आते ही सभी दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम के गुवाहाटी ने कहा कि यहां एएपी की सरकार बनने पर मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, एएपी बीजेपी ने नए मोर्चे पर टकराव, हज कमेटी में दफ्तर को खाली करने की नोटिस पर बड़ी सियासी तपिश। दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच एक नए मोर्चे पर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने हज कमेटी के ऑफिस को 10 दिनों के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, कोविड-19 अपडेट, दिल्ली में कोरोना वायरस के 429 नए मामले, महाराष्ट्र में 3 मरीजों की मौत। नई दिल्ली मुंबई देश के कई राज्यों को कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 16.9% हो गई। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी सोवरियन लैंडिंग मिशन के सफल परीक्षण के लिए इसरो को सराहना।